हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड चिली। आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा हमने क्या स्नैक्स बनाए हैं। हमने आज बनाया है बर्थडे स्पेशल स्नैक। जी, आपके यहाँ पे किसी भी नियर एंड डियर वन का बर्थडे आता है तो आप ये स्नैक उनके लिए बना सकते हैं। सभी को पसंद आता है, बच्चे हो बड़े हो, सबकी फेवरेट डिश होती है पनीर टिक्का। जी, बहुत ही यम्मी सा ये स्नैक है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं और विदाउट माइक्रोवेव बनाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसके लिए माइक्रोवेव की ज़रूरत है या फिर तंदूर की ज़रूरत है। सिंपल, हम इसे गैस पे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसे बनाएंगे। सिंपल रेसिपी है पनीर टिक्का। तो चलिए, यम्मी यम्मी सा बर्थडे स्पेशल स्नैक आज हम बनाते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, इस तरीके से कट कर लिए हैं। कैप्सिकम, अनियन और टमाटो हैं और कुछ ड्राई मसाले हैं वो भी ऐड किए हमने इसमें। पनीर को इस तरीके से कट कर दिया है, कर्ड लिया है दही। यहाँ पे मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून गाढ़ा दही ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ इसमें बाकी जो सारे हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं मसाले वो ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च 2 टेबलस्पून ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ले लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। हमने यहाँ पे बेसन को थोड़ा सा रोस्ट कर ले लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी भी ऐड की है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो हमें खाने की भी बहुत इच्छा होती है, इसलिए आप थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे पनीर को इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद जो हमने वेजेस कट करके रखी है वो भी मैंने इसमें एक एक करके ऐड कर दिया है। हमें ये सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक हाफ एन आवर के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख देना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसे रख सकते हैं, फ्रीज करने की कोई नीड नहीं है। तो चलिए, उसके बाद हम बाकी की जो हमारी प्रिपरेशन है वो रेडी कर लेते हैं। अभी हम इसे गैस पे भून लेंगे। उसके लिए मेरे पास ये स्टिक्स अवेलेबल थी तो ये मैंने इसे अरेंज कर लिया। सारे वेजिटेबल्स एक एक करके मैंने इसमें इस तरीके से लगा ली हैं। इन वेजिटेबल्स में थोड़ी सी गैप रखना है ताकि वो अच्छी तरह से सिक जाए। तो देखिए, रेडी हो गई है हमारी ये स्टिक्स सारी वेजिटेबल्स और पनीर के साथ। देखिए, सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे गैस के ऊपर इसको ऐसे इस तरीके से भून लेना है। देखिए, आप थोड़ी देर में ये 1-2 मिनट अगर हम इसे भून लेते हैं ना थोड़ा सा धीरे धीरे, तो ये अच्छी तरह से उसका एक जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल होटल जैसा आ जाता है। सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है पनीर टिक्का का। देखिए, हम यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। लेमन बटर पूरा इस पर ऐसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। रेडी हो गया हमारा पनीर टिक्का होटल स्टाइल। अगर आपको ये पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।